दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं आमिर सोहल फ्रॉम वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कि कैसे हम ये बिजनेस सिर्फ 1 से 2 घंटा काम करके हम एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम किसी को भी इस बिजनेस का प्लान, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है प्लान दिखाने में, तो दोस्तों कैसे हम शॉर्ट एंड सिंपल वे में किसी को भी ये बिजनेस प्लान बता सकते हैं बिना कंपनी का नाम लिए हुए, राइट। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कैसे हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करें, कैसे हम प्लान दिखाएं। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे सिंपल और इजी प्लान हम कैसे दिखाएं, तो हम किसी को भी ऐसे करके प्लान दिखा सकते हैं कि अब अगर देखें तो बर्थ और डेथ, हर एक इंसान अगर दुनिया में आया है तो उनको जाना ही है एक दिन, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो हम बर्थ के बाद से हम मतलब से पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखेंगे ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज देखेंगे तो 25 साल के बाद हर कोई जॉब तो स्टार्ट, जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ ना कुछ तो करते हैं, और हाईएस्ट 60 साल तक, क्योंकि 60 इयर्स के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद या तो हम डिपेंडेंट रहते हैं, हार्डली 5% बंदे ही हैं जो खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, नहीं तो हम या तो बच्चे पे या फिर अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। तो आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना होगा, जो रिच डैड एंड पुअर डैड के जो राइटर हैं। दोस्तों उन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड एंड पुअर डैड, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिएगा। उन्होंने उसमें ESBI का फॉर्मूला दिया है। ESBI होता क्या है? E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस एंड I फॉर इन्वेस्टर। आप लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं ES, ये एक्टिव इनकम के बेस पे काम करते हैं, और राइट साइड मतलब पैसिव इनकम के बेस पर। अब ये एक्टिव और पैसिव होता क्या है? आप अगर देखेंगे तो एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अगर हम आज अगर नहीं जाते तो हमें उस दिन की सैलरी नहीं मिलती। फिर उसी तरह आप सेल्फ एम्प्लॉय की अगर बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय भी सेम है। अगर सेल्फ एम्प्लॉय में चार्टर अकाउंटेंट, डॉक्टर, एडवोकेट या बहुत सारे जिनकी कोई शॉप है, खुद की दुकान है, आप उनको देख सकते हैं। अगर वो दुकान पे जाएंगे या डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक पे जाएंगे तभी उस दिन उसको पैसा आएगा। मतलब हम शटर खोलेंगे दुकान का तभी पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मतलब कि हम एक्टिव इनकम के बेस पे काम करते हैं। उसी तरह पैसिव इनकम में अगर देख ले, बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है जो बड़े बड़े बिजनेस में, उनके लिए लाखों हज़ारों बंदे काम करते हैं, क्या वो नहीं जाएंगे? क्या उनके इनकम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं दोस्तों, उनके इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले। बट आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं एक्टिव इनकम, मतलब ES, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनकी पॉपुलेशन 95% है। जी हाँ दोस्तों, 95% पॉपुलेशन है। और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं बिजनेस और इन्वेस्टर, इनके पॉपुलेशन सिर्फ 5%, 5% ओनली। बट इनका सेम रिवर्स है, उल्टा है कि इनकम की अगर बात करूँ तो आपको एक्टिव इनकम जो दिख रहे हैं वो जो पॉपुलेशन है 95%, बट इनकम इनके पास, वेल्थ जो है, सिर्फ 5% है। जी हाँ दोस्तों, ओनली 5% पूरे वर्ल्ड का पैसा इन लोगों के पास है और 95% पैसा बिजनेस और इन्वेस्टरमैन के पास है। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है? आप अगर देखेंगे, आपने इससे पहले नाम सुना होगा, क्योंकि जिन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया वो पीछे ही रह जाते हैं। आपने बहुत पहले HMT वॉच का नाम सुना होगा। HMT वॉच आज कोई नहीं जानता। नोकिया मोबाइल का आप देख लो, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, एंड्रॉयड को नहीं अपनाया, आज वो मार्केट में नहीं है। तो दोस्तों अगर हम दुनिया के साथ अगर नहीं चलेंगे तो हम भी पीछे रह जाएंगे। HMT, बट यहाँ HMT का मतलब हेल्थ, मनी और टाइम। BJP का मतलब, ये BJP कोई पार्टी नहीं है। बी फॉर बिजनेस, जी फॉर जॉब, पी फॉर पोटेंशियल या प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जैसे में डॉक्टर, एडवोकेट, ये सब आते हैं। तो बिजनेसमैन का अगर आप देखेंगे तो इनके पास हेल्थ नहीं है, क्योंकि इनका भागमदौड़ बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। बिजनेस मतलब के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं वो, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मनी इनके पास थोड़े बहुत रहते हैं, टाइम इनके पास ना के बराबर रहते हैं। जॉब वाले को अगर आप देखेंगे तो इनके पास भी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती, मनी तो रहती नहीं है, टाइम भी नहीं रहती है। मनी में, हाँ दोस्तों, मनी में अगर आएंगे तो इसमें भी 92% बंदे के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, बट 8% इसमें भी सक्सेस होते हैं, राइट। उसके बाद प्रैक्टिशनर में आप देखेंगे, जैसे मैं डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, इसमें भी हेल्थ तो ना के बराबर है, मनी भी इसमें नहीं रहते हैं, बट इसमें भी, हाँ दोस्त, इसमें भी आपको एडवोकेट देख लो, डॉक्टर देख लो, ऐसे ऐसे डॉक्टर आपको देखेंगे जिनके क्लिनिक पर पूरे दिन में शायद 3-4-5 बंदे आते हो। एडवोकेट देखेंगे आप, अगर कोर्ट के बाहर गए होंगे तो कभी कभी कोई एडवोकेट आपके पीछे आएंगे, आपको क्या बनाना है सर, आपको ये बनाना है,
क्या कुछ बनाना है ना, तो इसमें भी 92% फेलियर है, मतलब 92% के पास पैसे नहीं रहते, 8% इसमें भी सक्सेस रहते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम इसमें भी नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं आगे स्लाइड पर। अगर आप वर्किंग आवर में, ऐसा क्यों होता है, अगर हम वर्किंग आवर में देखेंगे, अगर हम 8 घंटा डेली काम करते हैं, 8 आवर अगर पर डे अगर हम काम करते हैं, और हमारी इनकम अगर 15,000 है, बट हमारा रिक्वायरमेंट है अगर 25,000, अगर हमारा रिक्वायरमेंट है अगर 25,000 अगर हमें अर्न करना है, तो हमें अपने घंटे को बढ़ाना होगा। अगर हम 4 घंटा और बढ़ाते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, तो हमारी इनकम होती है 20,000, मतलब 20,000, बट हमें तो 25,000 चाहिए, तो हमें 3 घंटा और बढ़ाना पड़ता है, मतलब हम 15 घंटा काम करते हैं, तो हमारी इनकम होती है 25,000। जी हाँ दोस्तों, 25,000। बट दोस्तों, इफ़ आई हैव टू अर्न 50,000 देन, अगर हमें 50,000 अर्न करना है तो क्या, 15 घंटा हम काम करते हैं तो 25,000 हमें इनकम आती है। तो दोस्तों, इसी हिसाब से अगर हमें 50,000 अर्न करनी है, तो हमें 30 आवर, मतलब 30 घंटा काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई के पास सिर्फ 24 आवर ही रहते हैं, मतलब 24 घंटे ही रहते हैं। तो दोस्तों, इसका सिंपल है कि हमें अपने मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि हमारे घंटे को बढ़ाना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है। आइए हम उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अपने एक गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था 1940 में, मतलब 1940 में 10 रुपये में काम हो जाता था, चाहे हमारी फैमिली कितनी भी बड़ी हो। 20 साल बाद फिर सर्वे हुआ 1960 में, 100 रुपीज़ में हो जाता, 1980 में, 1000 में, 2000 में, 10,000। दोस्तों, अभी 2020, मतलब 2020 आने वाला है, और हमें 1 लाख चाहिए। दोस्तों, हम खुद देखें कि हमारी इनकम अभी क्या है, और जैसे महंगाई बढ़ रही है, आप खुद देख सकते हैं कि अगर हमारी इनकम वो नहीं हुई तो क्या, तो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम आप तक आते हैं, वो कैसे आते हैं। कोई कस्टमर है, उसको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट से मिलेगा, मार्केट अगर पैसे हैं तभी आएगा, और पैसे है हमारे पास तो इनकम होती है, या एक्सपेंस होती है, या फिर सेविंग होती है, राइट। अगर जो कोई प्रोडक्ट आता है हम आप तक, या तो वो मैन्युफैक्चर होता है कहीं ना कहीं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, CNF एजेंट, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, ये सब प्रोसेस हो के हम आप तक पहुंचती है, और ये सब बिजनेस में है, राइट। तो ये सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है, बट हमें क्या, हमें कुछ नहीं मिलता, बट पैसा हमारा है, राइट। तो दोस्तों, आगे देखते हैं, ये जो बिज़नेस है वो वर्ड ऑफ माउथ का बिज़नेस है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा मुंबई में, तो 4 साल 5 साल पहले, कि गणेश जी दूध पीते हैं। क्या वाकई में गणेश जी दूध पीते हैं? बट इसमें वर्ड ऑफ माउथ था, क्योंकि उतने नेट या ये सब नहीं थे, तो लोग एक दूसरे को बोलते गए, और पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में लोग गणेश जी को दूध पिला रहे थे, बट क्या वो पी रहे थे? ये नहीं दोस्तों, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ हुआ, इतना पावर है वर्ड ऑफ माउथ में। तो अगर हम ये चीज़ अगर हम भी करते इस बिज़नेस में, तो हम बहुत जल्द सक्सेस हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है यहाँ, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, हमें अपनी दुकान चेंज करनी है, यहाँ लाइफ चेंज हो जाती है लोगों की। तो हम देखते हैं ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट में क्या बेनिफिट है। ओल्ड मार्केट मतलब जहाँ से हम ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे हैं, और न्यू मार्केट में आने से क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों, ओल्ड मार्केट में अगर आप लेते हैं, क्या आपको डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता, राइट। बट न्यू मार्केट में अगर आप यहाँ से लेते हैं, तो 10-20% डिस्काउंट मिल जाता है। सपोज किसी प्रोडक्ट का 120 रुपीज़ MRP है, तो आपको 100 मिलता है, मतलब 20 रुपीज़ आपका सेविंग, या किसी को देते हैं तो 20 रुपीज़ आपका रिटेल प्रॉफिट। क्या आपको कोई प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट में गिफ्ट में मिलता है? नहीं दोस्तों, जी हाँ सही कहा आपने, नहीं मिलता है। बट न्यू मार्केट में आपको 8-10% का प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में मिलता है। कैशबैक की अगर मैं बात करूँ, तो मार्केट में आपको क्या आज तक प्रोडक्ट आप लेते हैं, क्या कैशबैक मिला है? नहीं मिला है। बट आपको न्यू मार्केट में 5-20% कैशबैक मिलता है। दोस्तों, एक और है बेनिफिट, रॉयल्टी बेनिफिट। ये होता क्या है, राइट, ये ओल्ड मार्केट में हमें नहीं मिलता। न्यू मार्केट में होता क्या है, अपने यहाँ इस बिज़नेस में, जो बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, इस बिज़नेस में अगर 4 महीना कंटिन्यू अगर आप 3,000+ का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं आपके घर में, और ऑन एन एवरेज हर एक घर में 3-4 हज़ार का शॉपिंग होता ही होता है ये सारी चीज़ों पे, तो दोस्तों अगर हम अगर 4th मंथ तक, 4 महीने तक कंटिन्यू 3,000+ का प्रोडक्ट अगर लेते हैं, तो 5th मंथ में लगभग हमें 2,500 का वाउचर हमें फ्री मिलता है, और हम अपने मनपसंद का प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, एक ये तो हुआ, सिर्फ हम प्रोडक्ट तक ही सीमित रहते हैं, सिर्फ हम प्रोडक्ट तक ही लेते हैं एज ए यूज़र बन के, तो इतना बेनिफिट अप्रॉक्स 50% तक बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हो, इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो इसमें और ज़्यादा बेनिफिट है। वो क्या बेनिफिट है, कि हम इसमें एक टीम बनाते हैं, एक टीम के अकॉर्डिंग काम करते हैं,
तो दोस्तों इसमें हमें कंपनी डायरेक्टर बोनस देती है 14% कंपनी के टर्नओवर का, फिर कंपनी हमें एलओबी देती है जो कि 15%, फिर ट्रैवल फंड 3%। दोस्तों घूमना फिरना हर किसी को पसंद है, कंपनी उसका भी ख्याल रख रही है जो कि एक महीने में 80,000 तक 80,000 तक मिल सकती है। उसके अलावा कार फंड मिलती है हमें, कंपनी हमें कार फंड भी देती है जो कि 5%, ये भी 80,000 तक मिल सकती है। हाउस फंड ये 3% है दोस्तों, ये 1,00,000 तक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमें अपनी दुकान चेंज करने से मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहाँ हमें प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को शेयर करना है। जितना ज़्यादा बंदे को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कैसे करने हैं हमें उसको बताना है, जो रोज़ाना मुँह धोता हो, जो रोज़ाना नहाता हो, जो रोज़ाना घर में जो सर में तेल लगाता हो, कुकिंग ऑयल चाय कॉफ़ी पीता हो, हमें बस उसी को बताना है ये बिजनेस, ठीक है। देन अगर आप चेंज करते हैं, आप अपनी शॉप को चेंज करते हैं, दुकान चेंज करते हैं, तो यहाँ लाइफ चेंज हो जाती है आपकी, और लाइफ चेंज होती है तो दोस्तों इतने सारे चीज़ें आपको मिल सकती है, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है सिर्फ एक दुकान चेंज करने से। सो दोस्तों डिसीजन आपका है कि आपकी नेक्स्ट शॉपिंग अब कहाँ से होगी, मार्केट के दुकान से, ट्रेडिशनल मार्केट से, या फिर इस न्यू दुकान से। दोस्तों लाइफ आपकी है, डिसीजन आपकी है, सो जल्द से जल्द डिसीजन ले। अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं तो खुद का, अगर आप प्रोडक्ट यहाँ से नहीं यूज कर पा रहे प्रॉपरली हर एक प्रोडक्ट, तो यहाँ से यूज करना स्टार्ट करें, और अगर आप नए हैं तो यहाँ से स्टार्ट करें, आप प्रोडक्ट लेके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि क्वालिटी और हर एक चीज़ कितनी अच्छी है यहाँ की, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए प्लान या नए प्रोडक्ट के साथ। सो दोस्तों डिसीजन आपका है, डिसीजन जल्द से जल्द लें और अपनी लाइफ को एक न्यू लाइफ स्टाइल क्रिएट करें, ये सब इस बिज़नेस में पॉसिबल है। सो दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा इस बिज़नेस के बारे में जानना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर वगैरह दे सकते हैं, या मेरा नंबर मैं अपना शेयर कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।